स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हमारा अलंकार प्रकरण क्रमशः है चल रहा है। अलंकार प्रकरण के अंतर्गत हमने कई अलंकारों का अध्ययन कर लिया, जिनमें मूलतः शब्दालंकार थे। उन शब्दालंकारों का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम आगे अर्थालंकार में प्रथमतः है उपमा अलंकार का अध्ययन करते हैं। उपमा अलंकार की जो सामान्य सुंदर परिभाषा आचार्य दंडी ने दी है वो है प्रस्फुट सुंदरम साम्यम उपमेयमिति अभिधीयते। उपमा अलंकार का ये लक्षण बड़ा ही सुंदर और सरल है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेयते इति अभिधीयते। इस पंक्ति का अर्थ सीधा सा है, जो कि स्लाइड में नहीं दिया हुआ, मैं आपको मुख्य बता देता हूँ कि जो बिल्कुल प्रस्फुटित और सुंदर जो समानता है उसे हम उपमा कहते हैं। इस प्रकरण को, उपमा अलंकार को समझने से पहले आप दो चीज समझेंगे, एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय। उपमान और उपमेय में होता क्या है कि जो जिसकी हमें उपमा देनी है वो उपमान कहलाता है और जिसको उपमा देनी है वो उपमेय कहलाता है। अब है हमारा उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है समानता, उपमा का मतलब होता है समानता। अब उपमा में जब हमने समानता की बात करी है तो हमारा जो लक्षण आचार्य दंडी ने यहाँ पर दिया है कि प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेयमिति अभिधीयते, कि उपमा ऐसी हो, किसी को यदि हम उपमा दें, समानता दें, वो ऐसी हो जो प्रस्फुटित, बिल्कुल बिना कोई शंका रहित और ऐसे खिली खिली समानतापूर्वक और सुंदर, ऐसी जो समानता है उसको हम उपमा कहते हैं। उपमा अलंकार को हम आगे बढ़ते हैं उपमा अलंकार में, तो उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, एक है पूर्ण उपमा और एक होता है लुप्त उपमा। ये दो भेद उपमा अलंकार के होते हैं। पहला भेद होता है उपमा का पूर्ण उपमा और दूसरा होता है लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा से तात्पर्य है जहाँ पर उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमेयवाचक शब्द, और जो उपमेयवाचक शब्द है उनका अध्ययन किया जाता है वो पूर्ण उपमा कहलाती है। और लुप्त उपमा वहाँ होती है जहाँ पर ये जो चारों शब्द है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म या इव जो आदि जो शब्द हैं, इनमें से किसी एक का लुप्त हो जाता है तो वहाँ लुप्त उपमा होती है। तो हमने उपमा अलंकार का लक्षण पढ़ा, उसके भेद पढ़े। मूलतः होता क्या है कि सामान्यतः स्नातक परीक्षाओं में उपमा का लक्षण और उदाहरण दो बातों पर जोर दिया जाता है। हमें उपमा का लक्षण याद करना है, जो कि हमने पहले पढ़ा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेयमिति अभिधीयते। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेयमिति अभिधीयते कि बिल्कुल प्रस्फुटित और सुंदर जो समानता होती है उसे उपमा कहते हैं। अब हम आगे जो ही बढ़ेंगे तो उपमा के दो भेद हमें दिखाई देते हैं। पहला भेद होता है पूर्ण उपमा और दूसरा भेद होता है लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा वो उपमा कहलाती है जिसमें उपमान भी हो, उपमेय भी हो, साधारण धर्म भी हो और इव आदि सब भी हो, वो होती है पूर्ण उपमा। और लुप्त उपमा वहाँ होती है जहाँ पर इन चारों में से किसी एक का लुप्त हो जाता है, वहाँ लुप्त उपमा होती है। ये तो हमने उपमा अलंकार के लक्षणों के बारे में पढ़ा। अब हम उपमा अलंकार का उदाहरण देखते हैं। जैसे मुख इव कमलम, एक मैं मुख्य उदाहरण बता रहा हूँ, मुख इव कमलम, मुख कमल के समान, मुख की समानता कमल से बताई गई, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। किसी को हम ऐसे समान व्यवहार के रूप में बताते हैं ना, वहाँ उपमा अलंकार होती है। जैसे वह लड़का ऐसा लगता है, वह ऐसा लगता है, समानता दिखा, जैसे वह तो बिल्कुल ऐसे, मान लो कि किसी हम हीरो के रूप में कहेंगे वह तो बिल्कुल गोविंदा जैसा लगता है, तो गोविंदा जैसा जैसा, तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार होती है। मुख कमलम इव, कमल के समान मुख, मुख की समानता किसके बताई गई तुल्य, कमल के समान। तो जहाँ समानता बताई जाए वहाँ
उपमा अलंकार होता है। स्क्रीन पर जो ये उदाहरण दिखाई दे रहा है ये रघुवंश महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश का बड़ा ही सुंदर उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है कि अपना जो रघुवंश है उसमें श्लोक आता है कि संचारणी दीप सिके रात्रौ यम यम वेति यया पतिम राम सा नरेंद्र मार्गाटी ऊपर पे दे विवरण भावम से ऐसे भूमिका। इस श्लोक की इतनी प्रसिद्धि हुई उपमा में कि उपमा की प्रसिद्धि के कारण है कालिदास जी का नाम दीप सिखा कालिदास हो गया, संचारणी दीप सिखे हो। ये जो उपमा है इस उपमा से कालिदास जी का नाम ही दीप सिखा कालिदास हो गया। यहाँ पर उपमा कैसे है, संचारणी दीप सिखे हो मतलब विचरण करती हुई दीप सिखा के समान, यहाँ मूल उपमा है। यहाँ पर जो रानी इंदुमती है वो स्वयंवर में माला लेकर के राजाओं के पास जाती है और जिस राजा के सामने से वो गुजर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे संचारिणी दीप सिखे हो, रात्रिकालीन दीप सिखा गुजर जाती है। तो यहाँ इंदुमती का जो समानता बताई गई है वो दीप सिखा से बताई गई है, तो दीप सिखा के समान वो इंदुमती है। ये उपमा इतनी प्रसिद्ध हुई कि महाकवि कालिदास दीप सिखा कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो इस उदाहरण में बड़ा सुंदर ही उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों को ये उदाहरण याद करना है और लक्षण याद करना है। तो आज की कक्षा में हमने उपमा अलंकार का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।